नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। और आज मैं आपको दिखा रहा हूँ मोस्ट प्रॉब्लम, जो मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम होती है गाड़ियों के अंदर, मतलब कई बार बातें फेस करनी पड़ती है हमें, वो मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ। बेसिकली क्या होता है कि हम डोर को ओपन करने की कोशिश करते हैं तो ये डोर जो है यहाँ से ओपन नहीं होता बेसिकली। तो होता क्या है कि मैं आपको दिखाता हूँ क्या चीज़ें होती हैं, यहाँ से ये ओपन नहीं होता तो लॉक अनलॉक भी कर लेते हैं, उसके बाद ये वाला डोर यहाँ से ओपन नहीं होता है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, शीशा नीचे करना है आपको यहाँ से, और ये आपका, फिर आप बाहर से इसे खोल देंगे। तो प्रॉब्लम कहाँ पर आती है, प्रॉब्लम ये है कि गाड़ी के अंदर यहाँ पर होता है, जैसे कि आप इस साइड से खोलेंगे तो ये खुल जाएगा डोर आपका यहाँ से। तो अगर यहाँ से ओपन करेंगे तो यहाँ से तो ओपन हो जाता है बाहर साइड से, बट जब इसी डोर को आप अंदर साइड से ओपन करने की कोशिश करेंगे तो ये आपका ओपन नहीं होगा यहाँ से। आप देख रहे हैं तो ये ओपन नहीं हो रहा है। एक बार दोबारा आपको दिखा देता हूँ, बाहर से ओपन करते हैं तो हो जाएगा, ये बाहर से ओपन हो रहा है हमारी जो गाड़ी का डोर पीछे वाला। और अगर हम देखते हैं इसे, बाहर से ओपन हो जाएगा, अंदर से ओपन नहीं हो रहा है हमारा जो ये। एक बार अंदर से कर दिखाता हूँ आपको, तो अंदर से हमारा जो डोर है ये ओपन नहीं हो रहा है। अगर आप देखते हैं तो अंदर से नहीं हो रहा है, यानी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। तो इसमें अगर आप कहीं किसी मकैनिक वगैरह के पास जाते हैं तो वो कुछ ना कुछ आपसे पैसे ले लेता, 200-200 रुपये से, क्या आपका ये सही करना है, आपका ये अंदर से वर्क नहीं कर रहा है। तो बहुत ही छोटी सी प्रॉब्लम होती है गाड़ी में, कॉमन सी प्रॉब्लम है। जब भी आप नई गाड़ी लेते हैं, मतलब जो लोग नई गाड़ी लेते हैं उन लोगों को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, क्योंकि नई गाड़ी ली है तो पीछे वो बैठते हैं तो यार पीछे वाला डोर आपका नहीं ओपन हो रहा है। तो ये प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ती है कई बार आपको, जब आप नई गाड़ी लेते हैं या जो गाड़ी पहली बार ड्राइव कर रहा है या फिर कोई पहली बार गाड़ी लेके गया है, तो उन लोगों को ये चीज़ें पता नहीं होती हैं कि ये प्रॉब्लम भी आ सकती है। कई बार क्या होता है, मेरा वो प्रॉब्लम है कि आपका डोर इस साइड से बंद नहीं हो, ओपन नहीं हो रहा है, यहाँ से ओपन नहीं हो रहा है, मतलब आपका ये जो है लॉक अनलॉक करने के बाद भी ये आपका डोर यहाँ से ओपन नहीं हो रहा है। बट क्या है कि यहाँ से वो बाहर से आप ओपन करते हैं तो ओपन हो रहा है। अब प्रॉब्लम कहाँ पर है मैं आपको एक और चीज़ें दिखा देता हूँ, दो तीन बार हम करके देख चुके हैं आपके सामने ही। तो प्रॉब्लम आती है यहाँ पर, यहाँ होगा आप ऑप्शन होता है चाइल्ड लॉक का, जैसे आप देख रहे हैं तो यहाँ पर आते हैं लॉक और अनलॉक, आते हैं लॉक और अनलॉक का ऑप्शन दिया हुआ है। तो यहाँ पर आप अगर अनलॉक कर देंगे इसे तो ये आपका डोर मतलब सही हो जाता है, मतलब ओपन हो जाएगा किसी अंदर से भी बाहर से भी। अगर आप इसे यहाँ करते हैं तो ये आपका सिर्फ आते हैं बाहर से ओपन होगा, अंदर से ओपन नहीं होगा, जिसे बेसिकली चाइल्ड लॉक बोलते हैं। तो जाके अगर आपके बच्चे को चाइल्ड बच्चे वगैरह हैं, कोई पीछे बैठे हुए हैं तो डोर को वो ना खोलें, इस वजह से ये आपका चाइल्ड लॉक यहाँ पे दिया होता है। तो एक बार देखते हैं, दोबारा एक बार करके दिखाता हूँ आपको। जैसे मैंने चाइल्ड लॉक जो है आपका यहाँ पर देख रहे हैं आप, तो ये हमने ऑफ कर दिया चाइल्ड लॉक जो है, तो ये अब ये बाहर से भी ओपन हो जाएगा। देख रहे हैं तो बाहर से भी ओपन हो जाएगा ये, और अगर हम इसे अंदर से करने की कोशिश करेंगे तो हमने बंद कर दिया डोर, और ये अभी आपका अंदर से भी ओपन हो जाएगा। तो ये मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम है। एक बार दोबारा करके दिखाता हूँ आपको मैं, यहाँ से एक बार लॉक आते हैं बंद कर देख लेते हैं, लॉक जो है आपका लॉक लगा देख लेते हैं, नीचे कर दिया हमने, ये जो है नीचे आ गए आप देख रहे हैं आप, तो नीचे कर दिया हमने। तो एक बार और करके देख लेते हैं इसे, ये देखिए, तो अब ये जो डोर है आपका लॉक नहीं होगा, मतलब आपका दरवाज़ा जो है ये खुलेगा नहीं। तो यहाँ पर आप पीछे आपको बाहर से खुल जाता है वो डोर जो है, कि वही प्रॉब्लम आ जाती है कि ओला कैब वगैरह में बहुत से ड्राइवर्स जो होते हैं वो आपको पीछे से लॉक कर देते हैं, तो प्रॉब्लम वहाँ पर आ जाती है। तो आपको पता होना चाहिए कि आपका ये डोर जो है यहाँ से लॉक है, तो आपको इस चीज़ का पता होना चाहिए थोड़ा बहुत। जो है नई गाड़ी लेते तब भी आपको एक बार चेक कर लेते हैं, यहाँ पीछे एक चाइल्ड लॉक में रियर डोर में एक चाइल्ड लॉक दिया गया होता है यहाँ पे। उसी तरीके से आगे वाले डोर में भी चीज़ें होती हैं, जैसे कि आपके पीछे वाले जो मिरर्स हैं यानी जो विंडो है पावर विंडोज़ हैं वो आपकी काम करनी बंद हो जाती है, एक लॉक आपको यहाँ पर दिया गया होता है। जैसे कि मैं कर दिखाता हूँ, जैसे ये आप पावर विंडो आपकी अभी हमने ओपन करी है, तो ये आपकी ओपन हो जाती है। इस वाले डोर से सारी विंडो काम करती हैं, बेसिकली क्या होता है कि यहाँ से इस वाली पावर विंडो से सारी विंडो आते वर्क करती हैं पावर विंडो जो है। बट अगर हम यहाँ पर एक चाइल्ड लॉक ऑप्शन दिया क्या होता है, मतलब बेसिकली चाइल्ड लॉक नहीं, यहाँ पर ये होता है आपका पावर विंडो का जो होता है कि पावर विंडो आपकी नीचे रोल डाउन नहीं होंगी, तो यहाँ से आपकी सारी विंडो अगर आप एक बार बटन दबा देंगे तो ऐसी चीज़ें होती हैं। पर एक बार आप देख लेते हैं, यहाँ से हमने बटन दबाया तो ये वाला दरवाजा जो विंडो है हमारी ओपन हो रही है, मतलब क्लोज कर रहे थे वाली विंडो को। तो यहाँ पर अगर हम ये वाला बटन दबा देंगे तो फिर यहाँ से भी ये विंडो वर्क नहीं करेगी, और ना ही आप अगर यहाँ से करके देखेंगे तो यहाँ से भी आपकी पावर विंडो ये वर्क नहीं करेगी, यहाँ से भी वर्क नहीं करेगी। पर अगर हम इसी विंडो को अब यहाँ वाला ये वाला बटन हम ऊपर आते ऑन कर देंगे, सही कर देंगे, इस चीज़ को देख लीजिए, इस वाले बटन को दबा देते हैं मतलब बंद हो जाती हैं चीज़ें और यहाँ से ओपन हो जाती हैं। तो यहाँ पर इसे अगर दोबारा दबा देंगे तो यहाँ पर ये आपकी पावर विंडो वर्क करेगी। एक बार दोबारा दिखा देते हैं आपको, ये वाली मतलब बटन दबाया नहीं है, एक बार दोबारा दिखा देते हैं आपको, ये वाला बटन आपको दबाना ऊपर करना है, ये जो है अनलॉक करना है, और फिर ये आपकी पावर विंडो जो है वर्क करती है। यहाँ पर अगर देखें आप, ये देखिए आप, ये वर्क कर लगती पावर विंडो।
तो इसे छोटी सी जानकारी है ये, और ये मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम है जब भी कोई नई गाड़ी लेता है तो सब मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम आ जाती है ये जो है चाइल्ड लॉक की। तो इसका ध्यान रखें आगे जब नई गाड़ी आप लेते हैं तो एक बार इस चीज़ को ज़रूर देख लें कि लॉक अनलॉक जो है किसी मैकेनिक के पास जाने से पहले आप इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। और